स्मार्टफोन्स में 18:9 डिस्प्ले का ये जो ट्रेंड है वो अभी काफ़ी टाइम से चल रहा है, और iWoomi ये जो ब्रांड है उसका ये i1 फ़ोन, ये फर्स्ट डिज़ाइन वाला फ़ोन है इस कंपनी की तरफ से। इसमें 18:9 का डिस्प्ले लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं ये काफ़ी पतला है और लंबा होता है ये डिज़ाइन, जो आपका नॉर्मल फ़ोन है उसमें 16:9 होता है। और उसके अलावा इस फ़ोन में ड्यूल कैमरा सेटअप है पीछे और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 5,999 रुपये, जो काफ़ी अग्रेसिव लगता है। अगर आप इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं इस प्राइस के लिए, बट क्या रियल लाइफ जब आप इसको यूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस भी वैसी ही है, आइए आज जानते हैं। अगर फ़ोन के लुक की बात की जाए तो सामने 5.5 इंच जो 5.45 इंच का डिस्प्ले लगा हुआ है, और ये 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले है जो कि पतला और लंबा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाजू में बेजल्स काफ़ी छोटे हैं, जबकि ऊपर और नीचे के जो भाग पे बेजल्स है वो थोड़े बड़े हैं कंपैरिजन में। ऊपर ईयरपीस लगा हुआ है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, उसके अलावा उसमें प्रॉक्सिमिटी और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी है। नीचे की जगह जो है वो काफ़ी खाली है, इसमें नेविगेशन बटन्स है बट कैपेसिटिव टच बटन्स नहीं है, ऑन स्क्रीन बटन्स है। अगर आप फोन के ऊपर की तरफ देखें तो इसमें एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है और 3.5mm हेडफोन जैक। नीचे इसमें 2 स्पीकर ग्रिल है पर एक ही काम करता है, दूसरा वाला डमी है, और प्राइमरी माइक्रोफोन है। पीछे अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे ड्यूल कैमरा सेटअप लगा हुआ है, जिसमें एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक सिंगल LED फ्लैश है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जिसको आप क्लिक करके फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो बैक कवर है वो रिमूवेबल है, इतना आसानी से नहीं निकलता है, थोड़ा सा फ्लिम्जी है, अगर आप ये देखें तो फ्लेक्स भी होता है। उसके बाद आपको आप देख सकते हैं कि इसमें 2 सिम स्लॉट है जो कि माइक्रो सिम स्लॉट्स है, और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है इसमें। आप देख सकते हैं बैटरी इसमें नॉन रिमूवेबल है और ये 3000 mAh की कैपेसिटी का बैटरी है। लुक एंड फील अब हो गया है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हार्डवेयर क्या आता है और कौन सा प्रोसेसर इस फ़ोन को पावर करता है, कितनी रैम है और कैसे परफॉर्म करता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये iWoomi i1 का जो डिस्प्ले है इसका रेजोल्यूशन 640x1280 pixels का रेजोल्यूशन है, थोड़ा सा लो है अगर आप इसको कंपेयर करें इनफोकस विजन 3 से, जिसमें HD+ रेजोल्यूशन आता है जो 720x1440 pixels का रेजोल्यूशन है। अभी लोअर रेजोल्यूशन में तकलीफ ये होती है कि जब स्क्रीन साइज पे लोअर रेजोल्यूशन होता है तो थोड़ा सा पिक्सलेशन दिखने का चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक है, कलर भी ओके है, बट अब ये प्राइस में जो लगभग 6000 का प्राइस है, इसमें आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें तो अच्छा होगा। इस फ़ोन को जो प्रोसेसर पावर करता है वो है मीडियाटेक का 6737 जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें 2GB रैम है और 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, डेडिकेटेड स्टोरेज है माइक्रो SD कार्ड के लिए, जिसमें आप 128GB तक की कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये एंड्रॉयड नूगा पे चल रहा है। जैसे कि हमने पहले बताया iWoomi i1 एक ड्यूल सिम डिवाइस है और इसमें 4G और VoLTE का सपोर्ट है दोनों सिम कार्ड्स पे। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ वाईफाई है, FM रेडियो सपोर्ट भी है, तो अगर आप FM रेडियो सुनते हैं आप हेडफोन जैक में हेडफोन प्लग इन करके FM सुन सकते हैं। iWoomi ने हल्की फुल्की कस्टमाइजेशन की गई है, अगर आप सेटिंग्स चेक करें तो इसमें जैसे कि आइकॉन्स है ये उन्होंने थोड़ा चेंज किया हुआ है जो स्टॉक एंड्रॉयड से थोड़ा हटके है। जैसे कि आप 3 नेविगेशन बटन्स है जो एंड्रॉयड में आप यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, ये कस्टमाइजेबल है, आपको अगर अलग ऑर्डर पसंद है तो वो भी आपको ऑप्शन है चेंज करने के लिए। अगर प्री इंस्टॉल ऐप्स की बात की जाए तो इसमें थोड़े ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जैसे कि UC ब्राउज़र, जेंडर जो शेयरिंग ऐप है, फ्लिपकार्ट, ये सब प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। इसके अलावा एक क्विक टच एक ऐप है जो कि फ्लोटिंग डॉक का काम करता है, जैसे कि आपने अगर आईफोन पे देखा होगा एक छोटा सा होवरिंग डॉट है, ये इस फ़ोन में उन्होंने शॉर्टकट्स के लिए रखा हुआ है, सो आप इसमें से वाईफाई और ब्लूटूथ टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हैं या ऐप के लिए शॉर्टकट रख सकते हैं लॉन्च करने के लिए। इन ऐप्स के अलावा आपको कपकेक ड्रीमलैंड और टेंपल पैराडाइज डैश ऐसे कुछ गेम्स हैं जिसके डेमो वर्जन्स मिलेंगे इसमें प्री इंस्टॉल्ड, आप इसको थोड़े टाइम तक खेल सकते हैं जिसके बाद आपको पैसे भरने होंगे, इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आपको डिसेबल करना होगा। ये हमको ठीक नहीं लगा बिकॉज अगर आप नहीं खेलना चाहते हैं तो ये
जो आपका लिमिटेड 16GB स्टोरेज है उसमें से थोड़ा जगह ये इस्तेमाल कर लेता है। इसके अलावा फ़ोन परफॉर्मेंस में उतना स्मूथ नहीं है। हमने जब इसको बूट किया था तब देखा कि फ़ोन हल्का हल्का स्टटर करता है, ओकेजनली स्टटर करता है इसको यूज़ करते वक्त। अगर आप हैवी एप्स लोड करें या हैवी गेम, जैसे कि हमें शैडो फाइट 3 खेलना काफ़ी पसंद है जो एक फाइटिंग गेम है और काफ़ी फास्ट खेलना होता है, सो उसमें लैग काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है खेलते समय, एंड एक्सपीरियंस में थोड़ा सा उसके वजह से कमी आती है। अब जैसे कि ये 18:9 वाला डिस्प्ले है, काफ़ी सारे ऐप्स इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। जो ऐप्स ऑप्टिमाइज है वो फुल स्क्रीन में रन होते हैं, जो ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं है वो लेटर बॉक्स रन होते हैं, जबकि यहाँ पे नीचे से काला बैंड आ जाता है जो अनयूजेबल है। सो अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि फ़ोन को नॉर्मल मोड में चलाया जाए या फुल स्क्रीन मोड में चला जाए, सारे ऐप्स बाई डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन मोड में ही चलते हैं। इवन वीडियोज़ अगर आप देखें तो फुल स्क्रीन मोड में ही चलते हैं। एक अलग चीज़ हमने जो नोटिस की है वो इसका जो लाउड स्पीकर है जो है नीचे की तरफ दिया गया है। जब आप गेमिंग करते हैं या जो जब आप वीडियो देखते हैं इसमें, तो इसको ब्लॉक करना काफ़ी आसान है। तो अगर इसका पोजिशनिंग थोड़ा बेटर होता तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता iWoomi के लिए। अगर इस iWoomi i1 की बैटरी लाइफ की बात की जाए, तो इसमें जो 3000 mAh का बैटरी लगा हुआ है, अगर आपका लाइट यूसेज है तो एक दिन तक साथ देगा, जिसके बाद आपको इसको फिर से चार्जिंग को लगाना होगा। iWoomi ने इसमें 5 वॉट का चार्जर दिया हुआ है जो कि लगभग 3 घंटे लगा देता है फ़ोन को 0 से 100% तक चार्ज करने के लिए। फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर इफेक्टिव है, आपको थोड़ा कन्वीनियंट देता है, आपको लॉक स्क्रीन में हर टाइम जाके पासकोड डालना नहीं होगा, आप इसको क्लिक करके फ़ोन अनलॉक किया जा सकता है। पर हमने देखा है कि इसमें हल्का सा लैग है, एक डीले है, जबकि आप देख सकते हैं अगर हमने फिंगर स्कैन किया है तो स्कैन और अनलॉक में थोड़ा सा टाइम है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका जो 13 MP का कैमरा है और एक 2 MP का डेप्थ सेंसर है, इसके कारण आपको एक बोके मोड भी दिया गया है कैमरा के सेटिंग्स में। और भी कई मोड्स हैं, जबकि फ़ोटो वीडियो के अलावा आपके पास पैनोरामा मोड है और बोके मोड है, जिसमें फेस डिटेक्शन ऑन बाय डिफ़ॉल्ट है और आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। वीडियो के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लैंडस्केप शॉट्स जब आप फोटोज़ नॉर्मली खींचते हैं वो फ़ोटोज़ उतने अच्छे नहीं हैं, हमने वो देखा कि डिटेल्स काफ़ी मिस हो जाते हैं इसमें, और फोकस के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देता है, जो कि हमको पसंद नहीं आया। मैक्रो शॉट लैंडस्केप के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे हैं, इसके लो लाइट शॉट्स ख़राब है और बहुत कम शॉट्स है जो आप यूज़ कर पाएंगे। फ़ोन में HDR मोड भी अवेलेबल है, जिसमें आपके हाथ काफ़ी स्टेडी रखने होंगे, या तो जो सब्जेक्ट है उसको काफ़ी स्टेडी होना होगा, वरना गोस्टिंग का इशू आता है इसमें। उसके अलावा सामने 8 MP का सेल्फी कैमरा है, वो ठीक ठाक है। अगर आप फोटोज़ खींच के फेसबुक पर अपलोड करना चाहें या व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके लिए ये 8 MP का कैमरा सक्षम है। अगर वीडियो कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जो पीछे का प्राइमरी कैमरा है वो 720p यानी HD रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि फ्रंट कैमरा 480p के रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे हमने पहले बताया, इसमें EIS है जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, वो जो बम्प्स और शेक्स है उसको मिनिमाइज़ करने में उतना अच्छा नहीं है, तो अगर आप चल के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इसमें बम्प और शेक आएगा आपके वीडियो आउटपुट में। अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट में 18:9 डिस्प्ले वाला फ़ोन देख रहे हैं तो iWoomi i1 एक और विकल्प है, बट यह करंटली बेस्ट विकल्प नहीं है। अगर 18:9 डिस्प्ले आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो हम आपको 10R D या Xiaomi का Redmi 5A रेकमेंड करेंगे, पर अगर आपको 18:9 डिस्प्ले वाला बड़ा फ़ोन ही चाहिए तो थोड़ा टाइम रुकना आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, और टेक की दुनिया की सारी खबरों के लिए HI.gadgets360.com पर लॉगिन कीजिए।